नमस्कार। पहले आप हमारे पार्टी की ओर से आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। हम जो पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी का नाम है सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, शॉर्ट में SUCIC। मेरा जो कैंडिडेट है कॉमरेड सलामत मंडल, 1994 से अब तक यहाँ पे इस अंडमान निकोबार में उन्होंने रह रहे हैं। उनके दादा परदादा मेल लाइन में, उनके पिताजी हमारी इस पार्टी में रहते हुए वेस्ट बंगाल में जो जमींदारी प्रथा जिसके जरिए किसान के ऊपर जबरदस्ती वसूल करना, वो आंदोलन के सहयोग थे, वो धारावाहिकता से जुड़ा हुआ था। उन परिवार से कॉमरेड सलामत मंडल आते हैं। उन्होंने जब से यहाँ पे इस द्वीपों में आए तब से उन्होंने सोशल काम, जो यहाँ पे गरीब जो मजदूर आते हैं उनको सहायता किया। जब सुनामी आए थे हमारे पार्टी की ओर से एक मेडिकल टीम MSC मेडिकल सर्विस सेंटर की ओर से यहाँ पे हेल्प के लिए आए थे। उन लोगों का साथ दो महीना दूर दराज इलाका में जाके, जैसा कि हार्डवे दूसरा आइलैंड में जाके सुनामी का इफेक्ट में जो परिजनों ने सहायता की जरूरत था उस समय उन्होंने मदद किया। फिर कोरोना के टाइम में जो परिचय श्रमिक माइग्रेंट लेबर फंसा हुआ था, उनका खाने का बंदोबस्त, ये सब काम उन्होंने करा। हमारी पार्टी कोरोना का टाइम हार्डवे में मेडिकल में मास्क, पुलिस स्टेशन, फिर पेशेंट के लिए शुगर और उनका खाने का बंदोबस्त, वहाँ पे जो कुकिंग गैस सिलेंडर LPG नहीं था, हमने मुहैया कराया था। तो हमारे पार्टी का कैंडिडेट कोई क्वालिफिकेशन ऊपर में हम लोग नहीं सुनते, पार्टी के योगदान, पार्टी के प्रति उनका क्या अवदान है, उनका क्या सहयोग है, उसके ऊपर हमारा सेंट्रल कमेटी चुनता है। इसमें क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता। उनका समाज के साथ, गरीब किसान और मजदूर के साथ जो उनका एक्टिविटीज है उसके ऊपर चुना जाता है। हमने लिटिल अंडमान में जितना स्कूल प्राइमरी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है डिगलीपुर में 17 स्कूल लिटिल अंडमान में और डिगलीपुर में 3 स्कूल, हम लोग 15 सालों से स्कूलों में बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग किया है, जैसे एसे राइटिंग, फिर स्पोर्ट्स ड्राइंग कंपटीशन या अनकम्प्रोमाइजिंग जो फ्रीडम फाइटर था हमारा देश के खुदीराम भगत सिंह और भगत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जो बर्थडे और जो मृत्यु दिवस हम लोग पालन करते आए हैं, उनको जीवन बारे में उनका इतिहास बारे में उनको जानकारी देते आ रहे हैं। आज हम लोग हमारे द्वीप समूहों के साथ भारतवर्ष के पूरे 18वीं लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में मद्देनजर रखते हुए हमारे SUCI पार्टी बीजेपी के बाद सबसे बड़ा पार्टी है। हमने 151 सीट कैंडिडेट दिया है, 3 यूनियन टेरिटरी और 19 स्टेट। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन जो MP इलेक्शन है, ये इस इलेक्शन के जरिए केंद्र सरकार चुना जाता है और MP पार्लियामेंट में जाके अपना जनता का वॉइस रेस करता है। जिस पार्टी का MP ज्यादा होगा उस पार्टी का वॉइस उतना ताकत होगा, उनका जोर होगा और ये पार्लियामेंट से सारे कानून बनते हैं।
तो जो आज इंडिपेंडेंस में और छोटा छोटा पार्टी से एक एमपी अगर जीत भी ले, उन लोग जाके वहां पे क्या वॉइस रेस करेगा। हमारा पार्टी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो देश भर में हमारा आंदोलन करते हैं। हमारा पार्टी का दूसरा नाम है ये आंदोलन का पार्टी है। मेनलैंड में अगर आप सुना होगा ये आंदोलन का पार्टी, तो एसोसिएशन आंदोलन का पार्टी है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन AIDYO, AIDSO, AIMSS, AIKKMSS, AIUTUC, इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में, जैसा कि स्टूडेंट का या बिजली का या कोई भी मुद्दा लेके वो आंदोलन करते हैं, और पब्लिक का हमेशा उनका साथ दिया। किसान आंदोलन में भी हमारा पार्टी साथ दिया, यहाँ तक कि हम लोग लिटिल आंदोलन में भी हम लोग पोस्टर लगाए, उनका सपोर्ट में बात किया। नमस्कार, मैं सलामत मंडल एमपी कैंडिडेट हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड का। हमारा मुद्दा है टूरिज्म। अंडमान निकोबार का जो टूरिज्म है उसको डेवलपमेंट करना है। सिर्फ यहाँ पे क्या पोर्टुलर टू हेबलो नहीं, बाकी आदर्श आइलैंड है वहाँ पर टूरिज्म का डेवलपमेंट कर सकता है कुछ पंचायत को। जैसा हेल्थ में कनेक्ट अंडमान में करने से, यहाँ पे हेली का बंदोबस्त करने से टूरिज्म को भी जा भी सकता, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट 5-6 दिन का छुट्टी लेकर आते हैं, बोट में जाने से हवा तो कमरे फंस जाता। अच्छा बोट अगर बंदोबस्त करे बाकी आइलैंड को डेवलप कर सकते। सेकंड मुद्दा है, एक तो एजुकेशन का तो है, यहाँ पे कॉलेज में तो प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, कहीं भी जाओ खाली है। कॉन्टैक्ट बेसिस कहीं भी डिपार्टमेंट जाने से कॉन्टैक्ट बेसिस ये सब है। कोई भी ट्रेडर में आप जाइए कॉन्टैक्ट बेसिस है, कॉलेज में जाइए लेक्चरर वो भी कॉन्टैक्ट बेसिस में है, परमानेंट स्टाफ नहीं है। परमानेंट होने से तब उसका तो इंटरेस्ट आगे बढ़ाएंगे, 20-25 हज़ार तनख्वाह में आप लोग काम करते हैं। और थर्ड पॉइंट है रोड। रोड का मुझे सबको मालूम है, NS में अगर कोई 12 टाइम अगर पार हो गया उसका रंगत तक पहुँचेगा या नहीं, उसी को खुद ही मालूम नहीं है, गाड़ी कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। टेंडर हो गया था, 700 करोड़ का टेंडर है, सब हम लोग का सपना दिखाया था XMP, इतना मोटा मोटा ढलाई का रोड बनेगा, तो कहाँ हम लोग देखते हैं कहाँ रोड है। पहले था वाला रोड है ही नहीं, था वाला रोड ही खत्म हो गया, नया कहाँ बनेगा। विलेज रोड तो जब NS का हाल है, विलेज का होगा सबको, आप लोग का तो मालूम है, मेन रोड जब है ही विलेज रोड तो कहाँ से रहेगा। गैस का तो बड़ा समस्या है यहाँ पे, तो प्राइवेट एजेंसी को पहले ऑनलाइन में बुक करना, हमारा पैसा लेगा लेकिन 15 दिन के बाद हमारा गैस देगा, वो भी गैस सारा गाय को हम बताना चाहते हूँ, आप लोग एक बार वेट कर लीजिए, गैस में घाटाला भी है। हमारा पैसा लेके 15 दिन के बाद हमारा गैस देगा, उसमें घाटाला है। इंटर में तो गैस तो मिलता ही नहीं, बीच में हमको खबर मिला बेटापुर में गैस देता है, टोगापुर का वहाँ आदमी आके लड़ाई करता है, वो अपना एरिया में अपना पहले लेगा, बात सही है। वहाँ पे 3 महीने के बाद गैस जाते हैं, बिल्ली ग्राउंड में 3-4 महीने के बाद गैस जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक एक घर में 10-15 कनेक्शन है, आधार कार्ड में लिंक में एडमिशन का कोई रुकावट नहीं है। जो भी सिटी में डेवलपमेंट होता है, जो भी है पोर्ट ब्लेयर में, आधार साइलेंट में हमारा एडमिशन होता नजर नहीं दे रहा। और बिजली का है, बिजली का नाम ही मत लीजिए यहाँ पे, यहाँ तो अभी अच्छा बिजनेस इन्वर्टर बिजनेस चल रहा है, कारण नहीं है इन्वर्टर लगा लो आप लोग का बात आई है। आप लोग एडमिशन तो हम लोग कहने मांगता जनरेटर बढ़ाइए, पावर हाउस में पूरा जनरेटर भी लगा सकता, जगह भी है पढ़ा के उसको भी दूर के लिए समस्या को, अगर आप लोग साथ देगा तो आप लोग की आवाज़ हम दिल्ली तक पहुँचाना चाहता हूँ।